nationalism in pakistan pakistan is a monolithic society and islam is an instrumental variable and this identity across with the two nation theory the creation of a separate muslim state these all facts are uh, telling the story of pakistan nationalism because if we may analyze

यानी वो मुसलमान जो बर सगीर के मुख्तलिफ हिस्सों में फैले हुए थे उन्होंने कुलेक्टिवली उन्होंने अपनी अपनी जगह पर एक तहरीक चलाई जिसके नतीजे में पाकिस्तान का क्याम जो है वो वजूद में आया सो पाकिस्तान इज़ बेसिकली रिप्रजेंट्स अ मल्टी कल्चरल एंड डाइवर्स सोसाइटी ठीक है पाकिस्तान की रिप्रजेंटेशन कोई एक ग्रुप या एक खास कल्चर की बुनियाद पर नहीं है बेसिकली पाकिस्तान की जो ब्यूटी है जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान की बेसिक स्ट्रेंथ है वो इसकी डाइवर्सिटी है क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है जुबानें बोलने वाले मुख्तलिफ कल्चर रखने वाले और मुख्तलिफ वो लोग इवन जो अपने अपने इलाकों को छोड़ कर यहाँ पाकिस्तान में आकर सेटल्ड हुए तो अब जो पाकिस्तान है ये रिप्रजेंट करता है एक डाइवर्स पॉपुलेशन को जिसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो इनकी अपनी अपनी शनाख्त के साथ एक स्टेट जिसका नाम पाकिस्तान है उसके सिटीज़न के तौर पर है तो वी कैन से दैट पाकिस्तानी सोसाइटी हैज़ यूनिक फीचर्स और एवरी वन हैज़ द राइट टू परसू इट्स एंटिटी एंड आइडेंटिटी पाकिस्तान के अंदर कोई ज़बरदस्ती किसी को उसकी शनाख्त छीनने पर मजबूर नहीं करता लेकिन उसके साथ साथ हमने ये भी देखा है कि अंडर सम स्पेसिफिक सरकमस्टेंसेस मुल्क के अंदर जब रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम मौजूद नहीं था तो उस वक्त कुछ ग्रुप्स ऐसे थे जिन्होंने ज़्यादा सुप्रेस्ड फ़ील किया और उन्होंने फिर उस वजह से जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान है उसके अंदर उन्होंने अपने लिए आवाज़ें भी उठाई हैं लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम उन आवाज़ों को अच्छे तरीके से टैकल करने की स्ट्रगल पहले भी करता रहा है और अब भी कर रहा है सो वी कैन हाई लाइट सम ऑफ द इशूज़ लाइक लाइक द पश्तूनस दे आर बेसिकली एथनिकली क्लोज टू अफगान अफगान्स बिकॉज दे शेयर कॉमन कल्चर एंड लैंग्वेज सो उनके अंदर जो आपस का एक ताल्लुक़ है वो बहुत डीप रूटेड है और फॉर देंचुरीज़ है लेकिन जो इलाकई शनाख्त या पहचान है या जो ग्रुप के अंदर जो मौजूद एफ़िलेशनस हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो हैं वक्त के साथ साथ वो उसके अंदर जो प्रायोरिटी, जो डिटर्मेंट हो रही है डेफिनेटली वो टुवर्ड स्टेट है और स्टेट के साथ एफिलिएशन के साथ बाकी चीज़ें जो हैं वो सेटल डाउन होने की प्रोसेस में मौजूद हैं हमें ऐसा ही नज़र आता है देन बलूचिस्तान इज़ द

स्पेसिफ़िकली बलूचिस्तान के अंदर जो नेशनलिज़म का इशू है वो क्यों मेनली ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पर जो मिडल क्लास है उसका नंबर बहुत ज़्यादा स्मॉलर और लेसर है या वहाँ पर ट्राइबल चीफ्स हैं और या वहाँ पर बहुत लोअर क्लास जो है जो वर्कर्स हैं वो मौजूद हैं जो मिडिल क्लास जो लिंकिंग लाइन होती है स्पेसिफिकली वो वहाँ पर उसका नंबर इतना कम है कि वो हमें नज़र भी नहीं आता दैट्स वाई वहाँ पर नेशनलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा बात भी होती है डिबेट भी होती है और समाइम्स तो उसके प्रॉब्लम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा आइडेंटिकल भी हो जाते हैं लेकिन दैट इज़ द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द पोलिटिकल सिस्टम टू टैकल डाउन ऑल दीज सच टाइप ऑफ इशूज़ इसी तरीके से हम ये देखते हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर जो एथनिक या लिंग्विस्टिक बेस्ड नेशनलिज़म चाहे वो सिंध के अंदर है या वो कराची के अंदर है ये सब इश्यूज जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं लेकिन कोई भी जो डेमोक्रेटिक स्टेट है उसमें नेशनलिज्म की फीलिंग्स को स्नब नहीं किया जाता बल्कि उनको मेन स्ट्रीम जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसका पार्ट बनाकर इन फीलिंग्स को किसी तरीके से काम डाउन करने की एफर्ट होती है और पाकिस्तान के अंदर भी ये प्रोसेस जो है वो चल रहा है